स्वागत है। अपना पॉइंट था पादप प्रवर्धन, जिसके अंतर्गत अपन ने कलम, दाब कलम और ग्राफ्टेज पढ़ा था। ग्राफ्टेज के अंतर्गत ग्राफ्टिंग की विधि अपन पढ़ चुके थे। अपने पास में बचता था बडिंग और उसके बाद में अपने कुछ डिवीजन वगैरह में के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि, बडिंग, जिसको अपन ने क्या कहा था, कलिकायन। क्या बोला था, कलिकायन, बडिंग, बडिंग या कलिकायन। क्या समझा था अपन ने, ये अपने को आरएस के साथ में यानी मूल ग्रंथ के साथ में किसका प्रयोग करना है, शंकु शाखा के रूप में कलिका का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है शंकु शाखा के रूप में कलिका का प्रयोग करना है, वो अपने क्या कहलाता है, बडिंग या कलिकायन कहलाता है। ठीक है, अब देखो बडिंग या कलिकायन की अपने को क्या करना होता, एक चीज यहाँ जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, परिवर्तन की जो भी विधियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है। तो क्वेश्चन यदि सिंपल आए, डायरेक्ट आए कि परिवर्तन की विधियों में सर्वाधिक यूज में होने वाली, सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली विधि कौन सी है, तो आपको बताना बडिंग या कलिकायन। तो यहां बता दीजिए, परिवर्तन की विधियों में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली विधि या प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी विधि होगी, आपके बडिंग होगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कि परिवर्तन की ऐसी विधि का नाम बताइए जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि परिवर्तन की जो बडिंग विधि है, कलिकायन विधि है, इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ओके, चलो इसके बाद बात करते हैं इसकी विधियों की। तो देखो यानी इसकी विधियों के अंतर्गत सबसे पहले विधि अपन पढ़ते हैं सील्ड बडिंग। कौन सी विधि पढ़ते हैं, सील्ड बडिंग या जिसको टी बडिंग के नाम से भी जानते हैं, सील्ड बडिंग या टी बडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सील्ड बडिंग या टी बडिंग यानी क्वेश्चन फिर यहाँ पड़ता है, बडिंग की विधियों में, बडिंग की विधियों में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, तो आपको बताना है सील्ड बडिंग या आपके कौन सी आ गई, टी बडिंग आ गई सर्वाधिक प्रयोग में। ठीक है, क्वेश्चन दो बढ़ गए, मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन परिवर्तन की विधियों में सर्वाधिक यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी, बडिंग, बडिंग की विधियों में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली सील्ड बडिंग या टी बडिंग। ओके, फिर देखो इसमें एक नाम आया है टी बडिंग, यानी सिंपल सी बात है मूल व्रत या आपका क्या था, मूल व्रत, इससे मूल ग्रंथ में क्या करोगे, टी आकार का गठान बनाओगे। किस पर आकार का गठान बनाओगे, टी आकार का गठान बनाओगे। और जो शंकु शाखा है उस शंकु शाखा में भी किस पर आकार का गठान बनाना है, टी आकार का गठान बनाना है। और टी आकार का गठान बना के क्या कर दोगे, इसमें मिला के पसार कर बांध दोगे। ये विधि कौन सी होती है, सिल्ड बडिंग या टी बडिंग, कौन सी होती है, सिल्ड बडिंग या टी बडिंग होती है। इस विधि का प्रयोग अपन बेल में, मौसमी में, गुलाब में आदि में करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इस विधि का प्रयोग अपन ने किसमें किया, बेल में किया, बेल में, मौसमी में किया, इसमें किया मौसमी, मौसमी का मतलब है माल्टा, मौसमी का मतलब क्या होता है, माल्टा। तो क्या बताया अपन ने, बेल, मौसमी, गुलाब, आड़ू, गुलाब, आड़ू, ठीक है, इनमें अपन क्या करते हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, सील्ड बडिंग का प्रयोग करते हैं। ओके, यह कटान मैंने आपको बता दिया किस प्रकार का होना चाहिए, टी आकार का कटान होना चाहिए। अब देखो तो दो तीन विधियों के नाम आएंगे, जैसे आई बडिंग, जैसे क्या आ गया, आई बडिंग, कटान किस प्रकार का होगा, आई आकार का होगा। कटान किस प्रकार, भाई सिंपल सी बात है, टी बडिंग, कटान किस प्रकार का हुआ, टी आकार का। आई बडिंग होगा, कटान किस प्रकार का होगा, आई आकार का, यानी अंग्रेजी में जो आई होता है उसके आकार का होगा। एच बडिंग, कटान किस प्रकार का होगा, अंग्रेजी में जो एच होता है उसके प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये
सिल्ड बडिंग यानी कटांठी प्रकार के आकार का होता है, सर्वाधिक यूज में होती है। अपन बेर मौसम के आलू बुखारा, आलू गुलाब आदि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में आते हैं नंबर दो के ऊपर, छल्ला कलिकाएं या इसको कहते हैं रिंग बडिंग। छल्ला कलिकाएं या इसको अपन ने क्या बोला, रिंग बडिंग। छल्ला कलिकाएं, देखो छल्ला कलिकाएं बोल दो, रिंग बडिंग बोल दो या वलय बडिंग बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। वलय आकार क्योंकि राउंड आकार होता है तो बात एक ही है। छल्ला कलिकाएं या रिंग बडिंग, देखो करना क्या है यहां पर, यानी छल्ला उतारना है। यह आपका क्या था, मूल ग्रंथ था। क्या था, मूल ग्रंथ था। इस मूल ग्रंथ में आपको क्या करना है, ये आपका मूल ग्रंथ कंप्लीट है तो ये इसके चारों तरफ की क्या करनी है, छाल उतारनी है। क्या करनी है, चारों तरफ की छाल उतारनी है। छाल उतारने पर कैसा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो शीर्ष भाग होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा सिंपल सी बात है, छोटा क्यों होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ की अपने छाल उतारनी है। अब बात आती है, ये तो आपका मूल ग्रंथ, ये आपकी क्या थी, सांकोश शाखा। इस सांकोश शाखा में क्या करेंगे, अंदर का भाग निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, अंदर का भाग निकाल लेंगे। और अंदर का भाग निकालने तक वही गोलाकार में भाई छाल तो छोड़ देंगे। जैसे ये था आपका, ये छाल अपन ने क्या कर दिया, छोड़ दी। और छाल छोड़कर अंदर का जो भी ठोस पदार्थ है, कांच या लकड़ी है, उसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और उसको अपन ने क्या कर दिया, इसमें मिलाकर फंसा दिया। यानी ये आपका हो जाता है ऐसे, और ऐसे आपके क्या हो जाएगा, इसमें मिलाकर फंसाने से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मिलन हो जाएगा। ये कौन सी विधि आपके आ जाती है, रिंग बडिंग आ जाती है। कौन सी विधि आ जाती है, रिंग बडिंग आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिंग जो बडिंग होती है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आपको बताना है बेर में होता है। किसमें होता है, बेर में होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि बेर में सबसे सर्वाधिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बेर सील्ड बडिंग में भी बताया है, लेकिन बेर रिंग बडिंग में मोस्टली आता है कि रिंग बडिंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किस फल वृक्ष में किया जाता है, तो वहां आपको बेर बताना है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर तीसरी विधि, पे बंद कलिकाएं। कौन सी देखते हैं, पे बंद कलिकाएं या इसको अपन पेच बडिंग कहते हैं। पे बंद कलिकाएं, पेच बडिंग, देखो पेच बडिंग क्या, जो पे बंद कलिकाएं होता है इसमें होता क्या है, ये आपका मूल ग्रंथ है। इस मूल ग्रंथ में अपन क्या करते हैं, यानी इसके पार्श्वों में तीन तरफ से क्या करते हैं, कटान लगाते हैं। जैसे यहां से इसको एक बार छोड़ो, यहां तक कहां आ जाएगा, यहां से अपन ने काटा यहां तक, यहां से अपन ने काटा यहां तक, और इसका नीचे का भाग काटा, और इस छाल को उठा के अपन ने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। क्या कर दिया इसको, यानी कटान कितने तरफ लगा, तीन तरफ लगा, और कटान लगाकर अपन ने क्या कर दिया, उसकी छाल को ऊपर की तरफ कर लिया। वो विधि कौन सी हो जाती है, पे बंद कलिकाएं या पेच बडिंग हो जाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कटान कितनी तरफ लगाते हैं, तो यहां बताना है कटान तीन तरफ लगाते हैं, तीन तरफ लगाकर छाल उठा लेते हैं। ओके, चलो ये आपकी कौन सी विधि आ जाती है, पे बंद कलिकाएं या पेच बडिंग आ जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट चिप कलिकाएं। कौन सी आती है, चिप कलिकाएं। चिप कलिकाएं में क्या होता है, यानी यहां देखो पे बंद के समान होता है, लेकिन पे बंद से थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है। चिप पे बंद में तो क्या किया, कटान की तरफ लगाया, लेकिन यहां पर कटान चारों तरफ से लगाकर यानी उस छाल को ही अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसकी जगह यानी सांकोश शाखा में रेशा कटान बनाकर क्या करते हैं, उसके जगह उस मूल ग्रंथ के ऊपर चिपका देते हैं। वो कौन सी विधि आती है, चिप कलिकाएं आती है। आगे समझ में, चलो ये तो आपकी कौन सी विधियां हो जाती है, यानी रिंग बडिंग जो भी आपकी बडिंग थी, बडिंग भी हो जाती है। इसके बाद में
देखो नेक्स्ट जो विधि आती है वो आता है विभाजन। क्या आता है अपने पास में? विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है कि अपने को प्लांट से कोई अलग नहीं करना है। पहले कुछ प्लांट में ऐसी शक्ति होती है, कुछ पादपों में ऐसी शक्ति होती है जो क्या करते हैं, खुद ही अनेक पौधे विकसित करते हैं, और अनेक पौधे विकसित करने के बाद में क्या करते हैं, यानी उनको अपने मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से चलते रहते हो। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो एक बार पॉइंट लिख रहा हूँ, विभाजन, डिवीजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। विभाजन का देखो मतलब होता है, अपन ने क्या कहा यहाँ पर, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ पौधों में नए पौधे विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, पहले कंडीशन मात्र पौधे से अलग कर शब्दांतर पौधे के रूप में लगा देते हैं, इस रूप में लगाते हैं, शब्दांतर पौधे के रूप में लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां प्राकृतिक रूप से कुछ पौधों में नए पौधे तैयार करने या नए पौधे विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, मात्र पौधे से अलग कर स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा देते हैं, यानी नेचुरल उनमें क्षमता पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, अपने आप में वृद्धि करते रहते हैं, और अपने आप में वृद्धि करते हुए क्या करते हैं, नए प्लांट्स का निर्माण करते रहते हैं। अपन क्या करेंगे, उनको नए वहां से काट कर यानी वहां से अलग करके नए पौधे के रूप में लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि इसकी विधियां है वो तो अपन बाद में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल केला, केले में क्या होता है, यानी जो उसका तना होता है उस तने के पास से ही क्या होते हैं, कुछ सकर्स निकलते हैं, कुछ पौधे निकलते हैं, और उनको वहां से काटकर अपन क्या करते हैं, नए प्लांट के रूप में लगा देते हैं। वो विधि कौन सी हो गई आपके, यानी विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, चलो डिवीजन की विधियां अपन पढ़ते हैं। तो डिवीजन की विधियों के अंतर्गत पहली विधि अपन पढ़ते हैं ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, या जिसको अपन कहते हैं रनास, ऊपरी भूस्तारी या रनास। देखो ऊपरी भूस्तारी या रनास का मतलब होता है मृदा सतह से ऊपर फैलता है, और फैलकर क्या करता है, जहां पर पर्वत संधि विकसित होती है वहीं पर, जहां पर पर्वत संधि थी वहीं पर क्या हो जाती है, उसमें मृदा के संपर्क में पर्वत संधि आएगी, जड़ें विकसित हो जाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी या रनास कहते हैं। या इसके एग्जाम्पल आपने देखते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, धूप घास, क्योंकि आप स्टोरी को आपने देखा नहीं होगा, धूप घास आपने देखा होगा, धूप घास क्या होती है, फैलती जाती है, उसके बाद में उस धूप घास की जो पर्वत संधि होती है वो पर्वत संधि मृदा के संपर्क में आ जाती है, और मृदा के संपर्क में आके क्या कर लेती है, जड़ें विकसित कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा है इसमें स्ट्रॉबेरी, तो आपको खुद डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वही मिलेगा कि ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो ये आपको बताना है धूप घास और स्ट्रॉबेरी। उसके बाद में आता है नंबर दो अंतर्भूस्तारी, नंबर दो पे अपने कौन सा आ गया, अंतर्भूस्तारी, या जिसको अपन कहते हैं सकर्स। अंतर्भूस्तारी या सकर्स, देखो अंतर्भूस्तारी या सकर्स का मतलब क्या होता है, इसमें अपने क्या कहा, मृदा सतह से ऊपर, इसमें कहेंगे मृदा सतह से नीचे, यानी जो मृदा सतह होती है उसमें से नीचे क्या होती है, कुछ शाखाएं निकलती है, वो शाखाएं क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, वही क्या होता है, अंतर्भूस्तारी या सकर्स होता है। इसके अंतर्गत अनानास, बांस, केला, यानी अपन अनानास का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत देखते हैं, बांस का एग्जाम्पल अपन देखते हैं, केले का अंतर, केला। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है, इनका परिवर्तन अपन किसके द्वारा करते हैं, अंतर्भूस्तारी या सकर्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर तीन पर भूस्तारी, नंबर तीन पे क्या आता है हमने, भूस्तारी जिसको कहते हैं स्टोलन, भूस्तारी या स्टोलन। देखो भूस्तारी या स्टोलन का प्रयोग अपन क्या करते हैं, जल्दी स्ट्रॉबेरी और पुदीना
करते हैं, इसमें करते हैं जंगली स्ट्रॉबेरी और पुदीना में करते हैं, जंगली स्ट्रॉबेरी और पुदीना का जो अपन परिवर्तन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, बुस्तान या स्टोलन के द्वारा करते हैं। ओके चलो नंबर चौथा देखते हैं, ऑफशूट नंबर चार पे अपने आता है ऑफशूट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ऑफशूट। ऑफशूट का प्रयोग देखो, ऑफशूट में क्या होता है, अपने जो मुख्य तना होता है उस मुख्य तने से पार्श्व में क्या होता है कलिका निकलती है, जो मेन तना होगा उस मेन तने में क्या होगा पार्श्व में, यानी मेन तने के पार्श्व में साइड में क्या होगा एक कलिका विकसित होगी, उस कलिका विकसित होकर क्या करती है नए प्लांट का निर्माण कर लेती है, वो क्या कहलाता है ऑफशूट कहलाता है, क्या कहलाता है ऑफशूट कहलाता है। ऑफशूट का प्रयोग अपन क्या करते हैं मोस्टली खजूर में करते हैं, किसमें करते हैं खजूर में करते हैं, और एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ खजूर। अब यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों, क्योंकि सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन आपके पास भी था, कौन सा क्वेश्चन, खजूर में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सकर्ष भी था ऑप्शन ऑफशूट भी था, दोनों ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर याद रखना जब आपका ऑफशूट ऑप्शन नहीं हो उस कंडीशन में आप सकर्ष करोगे, और ऑफशूट होने की कंडीशन में यानी जब दोनों ऑप्शन होते हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना है खजूर के लिए ऑफशूट शब्द का प्रयोग ही करना है। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिया है, सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने इसमें गलती की है, तो याद रखना खजूर का परिवर्तन किसके द्वारा करते हैं ऑफशूट के द्वारा करते हैं, ऑफशूट यदि ऑप्शन नहीं हो उस कंडीशन में इसका राइट आंसर माना जाएगा सकास, ठीक है। तो ऑफशूट का प्रयोग अपन खजूर में करते हैं, इसके अलावा जलकुंभी और पिस्टिया में भी इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो अपन ने देखा जलकुंभी पिस्टिया, ठीक है, तो जलकुंभी और पिस्टिया और खजूर किसके एग्जाम्पल हो गए ऑफशूट के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आता है अपने पास में शल्ककंद या बल्ब, नंबर पांचवा कौन सा आ गया शल्ककंद या जिसको अपने कहा बल्ब, शल्ककंद या बल्ब। देखो शल्ककंद या जो बल्ब होता है ये क्या होता है एक प्रकार का भूमिगत तना होता है, क्या होता है एक प्रकार का भूमिगत तना होता है। पहली चीज आपको याद रखना पूछ सकता है आपको कि शल्ककंद क्या होता है एक प्रकार का भूमिगत तना। दूसरी चीज इसका जो नीचे का जो भाग होता है यानी जो तना होता है वो तना कैसा होता है तस्त्रीनुमा होता है, कैसा होता है तस्त्रीनुमा होता है, तो लिख दीजिए यहां पर तना तस्त्रीनुमा, कैसा होता है तना तस्त्रीनुमा होता है। अब एग्जांपल देखो, मैं एक बार एग्जांपल आपको बता देता हूं फिर समझ में आ जाएगा आपके। यहां पर एग्जांपल आ गया प्याज लहसुन, क्या एग्जाम्पल आ गया प्याज लहसुन एग्जाम्पल, अपन इजी एग्जाम्पल अपने देखे हैं, हालांकि रजनीगंधा भी यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम्पल आप प्याज लहसुन देखिए, प्याज लहसुन में जो तना होता है सिंपल पहली चीज अपने क्या कहा भूमिगत तना, दूसरी चीज अपने क्या कहा कि जो तना होता है वो किस प्रकार का होता है तस्त्रीनुमा होता है, किस प्रकार का होता है तस्त्रीनुमा होता है। प्याज और लहसुन में क्या होता है तस्त्रीनुमा होता है, ठीक है, तो ये एग्जांपल प्याज और लहसुन। अब तीसरा एग्जांपल आप और बता सकते हो रजनीगंधा, कौन सा एग्जांपल अपने पास में आ जाएगा रजनीगंधा एग्जांपल अपने पास में आ जाएगा। ये एग्जांपल भी किसका आता है शल्ककंद या बल्ब का आता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नंबर छह के ऊपर परकंद या जिसको कहते हैं राइजोम, नंबर छह परकंद या राइजोम, परकंद या राइजोम। देखो परकंद या राइजोम क्या है एक प्रकार का भूमिगत तना,
आपको भूमिगत तना बोल दो या परिवर्तित तना बोल दो, भूमिगत तना तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे कि परिवर्तित तना है जो क्या करता है भोजन संग्रह करके फूल जाता है, क्या होता है परिवर्तित तना जो भोजन संग्रह करके क्या हो जाता है फूल जाता है, यानी एक प्रकार का तना ही है लेकिन वो क्या हो गया यानी भोजन संग्रह करके क्या हो गया फूल गया। अब ऐसा एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे आप देखते हो अदरक, क्या देखते हैं अपन अदरक देखते हैं, हल्दी देखते हैं, अरे क्या है अदरक और हल्दी भाई सिंपल सी बात है भूमिगत यानी परिवर्तित तना है, वो क्या करते हैं भोजन संग्रह करते हैं, भोजन संग्रह करके क्या होते हैं घाटे बन जाती है उसमें, ठीक है तो वो क्या हो जाता है परकत या राइजोम के एग्जांपल आ जाते हैं। तो एग्जांपल अपने देखा अदरक हल्दी, एक तो आ गया अदरक, दूसरा एग्जांपल आ गया हल्दी, और तीसरा एग्जांपल आ गया अपने पास में जल लिली, तीसरा एग्जांपल अपने कौन सा देखा जल लिली एग्जांपल अपने देखा। ओके चलो इसके बाद में देखते हैं नंबर 7 के ऊपर आकंद या ट्यूबर, जिसको कंद भी बोल सकते हो डायरेक्ट आप, आकंद या ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब क्या होता है गांठ, ट्यूबर का मतलब क्या होता है गांठ होता है, तो इसको अपने आकंद या क्या कहा ट्यूबर कहा। देखो ये भी क्या है परिवर्तित तना, ये भी क्या है परिवर्तित तना जो भोजन संग्रह करके क्या होगा फूलेगा, ठीक है यहां पर भी आप लिख दीजिए भोजन संग्रह करके फूल जाता है परिवर्तित तना जो भोजन संग्रह करके फूल जाता है। और एग्जांपल देखिए आलू, देखता है आपने आलू, आलू क्या होता है कंद, आलू क्या होता है कंद होता है ट्यूबर होता है, तो वो क्या करता है यानी परिवर्तित एक प्रकार का परिवर्तित तना है वो क्या करता है भोजन संग्रह करता है, और भोजन संग्रह क्या करके क्या होता है फूल जाता है। तो इसके एग्जांपल आगे आलू और डहेलिया, एग्जांपल अपने क्या देखा आकंद का या ट्यूबर का, आलू और डहेलिया अपने एग्जांपल यहां पर देखा, ठीक है चलो इसके बाद में देखते हैं नंबर 8 के ऊपर, 8 के ऊपर अपन देखते हैं शिखर या क्राउन, अपने पास में क्या रहता है शिखर या क्राउन, शिखर या जिसको कहते हैं अपन क्राउन। देखो शिखर या क्राउन होता क्या है, शिखर और या क्राउन जो तना होता है उस तने के ऊपर एक मुकुट नुमा संरचना पाई जाती है, क्या होता है तने के ऊपर एक मुकुट नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं शिखर या क्राउन कहते हैं, ठीक है क्या होता है तने के ऊपर एक मुकुट नुमा संरचना, तने पर मुकुट नुमा संरचना होती है और उस मुकुट नुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं शिखर या क्राउन कहते हैं। इसका प्रयोग अपन अनानास और फ्लॉक्स में करते हैं, किसमें करते हैं अनानास और फ्लॉक्स में करते हैं, यानी आपको पूछा जा सकता है कि अनानास और फ्लॉक्स में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है शिखर या क्राउन के द्वारा होता है। और उसके बाद में आता है नंबर 9 के ऊपर प्रैक्टलिका, नंबर 9 के ऊपर अपन देख रहे हैं क्या प्रैक्टलिका, और प्रैक्टलिका का एग्जांपल बताना आपको सीसल, क्या बताना है सीसल, कौन सा एग्जांपल बताना प्रैक्टलिका का सीसल एग्जांपल बताना है, जो रामबास होता है उस रामबास का प्रयोग अपन यानी प्रैक्टलिका के रूप में करते हैं, रामबास हो सकते हैं कि रामबास का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है प्रैक्टलिका के द्वारा होता है। और उसके बाद में आता है लास्ट और नंबर 10 घन कंद, या जिसको कहते हैं कॉर्म सीओरम, सीओ आरम कॉर्म, घन कंद या कॉर्म,
इसमें देखो कनिका दिया कॉर्म क्या होता है, इसमें जो तना होता है वो तने का, उस तने का अक्ष क्या हो जाता है, फूल जाता है, उस तने का क्या होता है, अक्ष फूल जाता है। और जो परकंद था, परकंद तो क्या होता है यानी समतलवर्ती करता है, परकंद तो क्या होता है समतलवर्ती करता है, लेकिन ये समतलवर्ती नहीं करता, ये समतलवर्ती नहीं, दोनों में डिफरेंस ही है, घनकंद और जो आपका परकंद था दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर यही यानी क्या है फर्क होता है कि आपका जो घनकंद होता है वो घनकंद समतलवर्ती नहीं करता, बाकी जो आपका क्या था परकंद था वो समतलवर्ती करता है। तो यहां बता दीजिए तने का अक्ष, तने का अक्ष फूल जाता है, पहली कंडीशन क्या बताती कि तने का जो अक्ष होता है, अक्ष का आधार भी कह सकते हो, अक्ष का आधार थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, अक्ष का आधार, तने के अक्ष का आधार क्या हो जाता है, फूल जाता है, समतलवर्ती नहीं करता, समतलवर्ती नहीं करता, और जो आपका परकंद होता है वो समतलवर्ती करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन इसके देखने हैं, यानी घन कंद या कॉर्म के एग्जाम्पल अपने को देखने हैं। तो देखो जम्मीकंद आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वो जम्मीकंद किसका होता है, घन कंद का ही होता है, तो जम्मीकंद एग्जाम्पल दे दिया अपने। दूसरा एग्जाम्पल अपन देते हैं ग्लैंडुलस, ग्लैंडुलस, ठीक है, ये अपने क्या हो जाता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब डिवीजन के बाद में छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन या जिसको अपन कहते हैं टिश्यू कल्चर, क्या होता है उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। देखो अपने परिवर्धन की विधियां पढ़ी, परिवर्धन की विधियों में अपन ने दो प्लांट्स के अपने को आवश्यकता पड़ रही थी, दो चीजों की अपने को आवश्यकता पड़ रही थी, भाई ग्राफ्टिंग पढ़ा, बडिंग पढ़ा, उनमें अपने क्या कहा कि मनोरथ की अपने को आवश्यकता होती, सौकुशा का क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन यहाँ पर कोई भी पौधे की एक कोशिका है, उस कोशिका में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने समान कई सारे पौधे यानी कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, कई सारे पौधों का निर्माण कर सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं, यानी उस जो सेल्स में जो क्षमता पाई जाती है उस क्षमता को कहते हैं टोटिपोटेंसी, क्या कहते हैं टोटिपोटेंसी बोलते हैं, यानी एक कोशिका में अपने समान कई सारे कोशिकाएं या कई सारे पौधे विकसित करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता क्या कहलाती है टोटिपोटेंसी कहलाती है। और ऐसे में अपन क्या करते हैं उत्तक संवर्धन के द्वारा एक प्लांट से खूब सारे पौधे तैयार करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए आते हैं कि परिवर्तन की ऐसी विधि जिसमें सर्वाधिक पौधे तैयार किए जाते हैं, सर्वाधिक पौधे तैयार किए जाते हैं, तो सर्वाधिक पौधे कौन सी विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, यानी उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा वर्तमान में पपीता, केला और खजूर, पपीता केला और खजूर के सबसे ज्यादा परिवर्तन किया जा रहा है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पौधों का वर्तमान में टिश्यू कल्चर, यानी कौन कौन से पौधों में परिवर्तन के लिए टिश्यू कल्चर विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको बताना है पपीता केला और खजूर में सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। ओके, ये कौन से होता है आपके उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर होता है, यह आपके क्या होता है पादप परिवर्धन, इसी के साथ कंप्लीट होता है। पादप परिवर्धन कि किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, यानी मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे दिए हुए हैं वही मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और आप यानी यूट्यूब पर कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हो कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है,